मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि पूजन की। शिव पूजन में इस एक वस्तु का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में तूफान आ सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं शिव पूजन में किसी भी सूरत में यह वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। ये एक वस्तु आपको बहुत अधिक दुविधा में डाल सकती है। जब ब्रह्मा विष्णु आपस में झगड़ पड़े थे तो उस समय सभी देवता शिव के पास गए थे कि इस सृष्टि को नाश होने से बचा लीजिए, नष्ट होने से बचा लीजिए। तब शिव जी ने कहा था कि मैं असमर्थ हूँ, इन दोनों के झगड़े को नहीं रोक सकता हूँ, बस एक ही साधन है कि इनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाना होगा। तब इनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाने के लिए शिव भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्हें हम आजकल शिवलिंग कहते हैं, एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब दोनों महानुभव, दोनों भगवान यानी ब्रह्मा जी और महेश जी सोचने लगे, सॉरी ब्रह्मा और विष्णु जी सोचने लगे कि ये क्या है, और दोनों ने निश्चय किया कि एक नीचे और एक ऊपर जाकर इसका अंत और इसकी शुरुआत ढूंढने का प्रयत्न करेगा, वहीं जीतेगा जो पता कर लेगा कि ये क्या है। बहुत सालों तक जब दोनों नहीं पता कर पाए तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा कपट आ गया और वह एक केतकी का फूल तोड़कर ले आए और उसको अपना गवाह बना लिया और केतकी के फूल को भी कह दिया कि वो गवाही देगा कि हाँ यहीं से इस स्तंभ की शुरुआत हुई है। तब केतकी ने भी गवाही झूठी दे दी। तब शिव भगवान ने ब्रह्मा जी का वह मुख जिससे उन्होंने मिथ्या वचन बोले थे काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे मेरी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो तुझे मेरे पर चढ़ाएगा उसका नाश होगा, और आज का दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि के रूप में वह दिन मनाया जाता है और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। यदि केतकी का फूल हम शिव पर चढ़ा देते हैं तो हमारा बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने केतकी के फूल को नहीं चढ़ाना है शिवरात्रि के दिन। किसी भी सूरत में केतकी का फूल शिव पर मत चढ़ाइए, वरना बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। हाँ, यदि चढ़ाना है कमल का फूल चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गुलाब का फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए जो शिव को बहुत पसंद है, लेकिन किसी भी सूरत में केतकी का फूल मत चढ़ा दीजिएगा, बहुत अधिक नुकसान आपका हो जाएगा। शिव प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि केतकी का फूल उन्होंने खुद ही अपने पर चढ़ाने के लिए मना किया है। शिवरात्रि के दिन ओम नमो शिवाय का जाप कीजिए। ये जाप करते हुए शिव के जल अर्पण कीजिए, दही अर्पण कीजिए, शहद अर्पण कीजिए, जो हल्दी है उसको अर्पण कीजिए, आपको बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक भक्ति मिलेगी। शिव का प्रेम, शिव की भक्ति आपके पास आएगी। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं इजाज़त चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने शिवरात्रि के बारे में डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा।